Hello children, I am c.p.yadav. I will teach you prose today. Class 11th ke liye, lesson first, my struggle for an education. इससे पहले मैंने आपको ये first, second और ये third पैरा आपको पढ़ाया था और इसका एक्सप्लेनेशन भी एक का किया. आज हम नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे यहाँ से हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ. फाइनली द ग्रेट डे केम, आखिर में वह दिन आया. एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, और मैं हैम्पटन के लिए रवाना हुआ. आई हैड ओनली ए स्मॉल चीप सैचल दैट कंटेन्स ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग. मेरे पास एक सस्ता सा स्कूली बैग था लटकाने वाला, जिसमें कुछ कपड़े थे. आई कुड गेट जो भी मेरे पास थे. माई मदर एट द टाइम वाज रादर वीक, मेरी माँ उस समय कमज़ोर थी. एंड ब्रोकन इन हेल्थ, उनका स्वास्थ्य बहुत ही ख़राब था. आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, मुझे दोबारा लौटकर उनसे मिलने की बहुत ही कम आशा थी. एंड दस आवर पार्टिंग वाज ऑल द मोर सैड, इसलिए हमारा बिछड़ना और ज़्यादा दुखदाई था. सी हाउवर वाज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, लेकिन वह इन सब के बीच बहुत बहादुर थी. मतलब उन्होंने कहीं से भी अपनी कमजोरी का एहसास नहीं होने दिया लेखक को. द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन, माल्डन से हैम्पटन की दूरी इज अबाउट 500 मील, लगभग 500 मील है. बाई वॉकिंग, बैगिंग राइड्स बोथ इन बैगन्स एंड इन द कार्स, वहाँ लेखक कहता है कि मैं कुछ पैदल चल करके और घोड़ा गाड़ी या कार में लिफ्ट की भीख मांगते हुए इन सम डेज, कुछ दिनों में, आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज, इन सम वेज, किसी तरह, आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज, काफ़ी समय के बाद, आई रीच द सिटी ऑफ रिचमंड, मैं रिचमंड शहर पहुंचा, वर्जीनिया, जो कि वर्जीनिया का शहर था. अबाउट 82 मील्स फ्रॉम हैम्पटन, जो हैम्पटन से लगभग 82 मील दूर है. व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, टायर्ड हंगरी एंड डर्टी, थका हुआ था, भूखा था और गंदा, यानी बिना नहाए धोए. इट वाज लेट इन द नाइट, और जब वह लेखक पहुँचा तो काफ़ी रात हो चुकी थी. आई हैड नेवर बीन इन ए लार्ज सिटी, लेखक कहता है कि मैंने कभी इतना बड़ा शहर पहले कभी देखा ही नहीं था. एंड दिस रादर एडेड टू माई मिजरी, और इससे मेरा दुख और बढ़ गया था. व्हेन आई रीच्ड रिचमंड, जब मैं रिचमंड पहुंचा, आई वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, मैं पूरी तरीके से पैसे धनहीन, यानी मेरा पैसा पूरा खर्च हो चुका था. आई हैड नॉट अ सिंगल एक्विंटेंस इन द प्लेस, और उस स्थान पर मेरी कोई भी जान पहचान नहीं थी. एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, और शहर के रास्तों से भी अपरिचित होने के कारण, आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, अब मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ. आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉगिंग, रुकने के लिए, आश्रय के लिए मैंने कई स्थानों पर पूछा. बट दे ऑल वांटेड मनी, लेकिन वे सब किराया चाहते थे, पैसा चाहते थे. एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव, और पैसा मेरे पास था नहीं. नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, अब मुझे कोई उपाय ना सूझा इससे ज़्यादा अच्छा कि आई वॉकड द स्ट्रीट, मैं गलियों में चलता ही गया, चलता ही गया. आई मस्ट हैव वॉकड द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिड नाइट, और लगभग मैं आधी रात तक चलता ही गया. एट लास्ट आई बिकेम सो एक्सॉस्टेड, अंत में मैं इतना थक गया दैट आई कुड वॉकड नो लॉन्गर, कि अब मैं ज़्यादा चल ही नहीं सकता था. आई वॉज टायर्ड, मैं भूखा था, मैं थका हुआ था. आई वॉज हंगरी, मैं भूखा था. आई वॉज एवरी थिंग बट डिस्करेज, सब कुछ था लेकिन साहस
नहीं टूटा था। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एक्सॉशन, और जब मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया, थकावट की चरम सीमा तक पहुँच गया, आई केम अपॉन ए पोर्शन ऑफ ए स्ट्रीट वेयर द बोर्ड साइड वॉक वाज कंस्टेबली एलिवेटेड। अब यहीं तक आप इसमें टिक कर लीजिए, इसके आगे मैं फिर अब कल बताऊंगा, कल इसके आगे इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगा।